और इस बीच आपको बताएं ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी कार्यालय में भी बड़ी हलचल, कई बड़े अधिकारी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया है। झारखंड बिहार में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। रांची में ईडी की रेड पड़ी है। मुजफ्फरपुर में ईडी ने कार्रवाई की है। विशाल चौधरी और अनिल झा के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है ये मामला। बिचौलियों के ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। कल साहेबगंज डीएमओ से ईडी की पूछताछ हुई थी। रांची डीएमओ से भी ईडी ने सवाल जवाब किए थे और पूछताछ के बाद ईडी को कई इनपुट मिले हैं। अवैध निवेशों की तार खंगाल रही है ईडी। कई बड़े नामों पर ईडी की नजर बनी हुई है। तो देखिए, कल साहेबगंज डीएमओ से पूछताछ हुई थी, रांची डीएमओ से भी सवाल जवाब हुए थे और उसके बाद जो इनपुट मिले उसके बाद देखिए कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है। बिहार और झारखंड दोनों जगहों में और खासकर अनिल झा और विशाल चौधरी के ठिकानों पर रेड पड़ी है। यानी ईडी का शिकंजा कसता हुआ, कई बड़े नाम जिन पर ईडी की नजर है वो ईडी की रडार पर है और ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये माना जा रहा है कि कल की पूछताछ में कई बड़े इनपुट्स मिले जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने। रांची के अशोक नगर रोड नंबर 6 में छापेमारी हुई है। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी का छापा पड़ा। ईडी की 6 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। ईडी को बड़े निवेश की जानकारी मिली। कौशल विकास का काम करते थे विशाल चौधरी। कौशल विकास का काम करते हैं विशाल चौधरी। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं विशाल चौधरी। एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी माने जाते हैं ये विशाल चौधरी और अब इन पर ईडी का शिकंजा कसा है। एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी हैं विशाल चौधरी और अब रांची के अशोक नगर रोड नंबर 6 में उनके आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और इधर रांची में निशित केसरी के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश बढ़ी है। ओक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पुंदाक के ऑनर है निशित केसरी। अरगोड़ा के गोपाल कॉम्प्लेक्स में भी ईडी की टीम मौजूद है। तो देखिए लगातार दबिश बढ़ती भी ईडी की और ये प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता हुआ निश्चित। बताएं आपको उनके ठिकाने पर भी अब ईडी की रेड पड़ी है। निश्चित केसरी जिसके ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है, आपको बताएं ओक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पुंदाग में जो है उसके ऑनर है निश्चित केसरी। अरगोड़ा के गोपाल कॉम्प्लेक्स में ईडी की टीम मौजूद है और ये देखिए बड़ी कार्रवाई ईडी की। अब एक तरफ जहां विशाल चौधरी के ठिकाने पर वहीं निश्चित केसरी के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश पड़ी है। और ये निश्चित केसरी कौन है आपको बताएं कि पुंदाग में ओक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है उसके ऑनर है निश्चित केसरी जिनके ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। इधर अरगोड़ा के गोपाल कॉम्प्लेक्स में भी ईडी की टीम मौजूद है। ओक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पुंदाग के ऑनर निश्चित केसरी के ठिकानों पर ईडी का छापा। अरगोड़ा के गोपाल कॉम्प्लेक्स में भी ईडी की टीम मौजूद है। तो ईडी की दबिश बढ़ती हुई बिहार झारखंड में कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी है। रांची में 6 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है और आपको बताएं कि विशाल चौधरी और निश्चित केसरी के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। वहीं रांची में गोपाल कॉम्प्लेक्स में भी ईडी की टीम मौजूद है। देखिए कल जब पूछताछ हुई उसके बाद देखिए ये बड़ी कार्रवाई ईडी की। एक साथ बिहार झारखंड में कई ठिकानों पर रेड और ये माना जा रहा है कि कल जिस तरह से साहेबगंज डीएमओ से पूछताछ हुई, रांची डीएमओ से पूछताछ हुई, पूजा सिंघल के सामने बिठाकर आमने सामने बिठाकर भी इन सबसे पूछताछ हुई, उसके बाद कोई इनपुट हाथ लगा और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई ईडी की और
विशाल चौधरी जिनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की है, माना जा रहा है कि एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी हैं ये। अब ये जो है पुंदाग में जो ओक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है उनके जो ऑनर है निशित केसरी, उनके ठिकाने पर भी रेड पड़ी है। इधर अरगोड़ा के गोपाल कॉम्प्लेक्स में भी ईडी की टीम मौजूद है। और हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, कल जिस तरह से पूछताछ हुई साहेबगंज डीएमओ से, वन टू वन पूछताछ हुई है, साथ में पूजा सिंगल के आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, रांची डीएमओ से भी पूछताछ हुई, उसके बाद जाहिर तौर पर कुछ तो ऐसा बड़ा इनपुट हाथ लगा कि अचानक से ईडी ने बिहार झारखंड में एक साथ कई ठिकानों पर रेड डाली। और जो दो नाम सामने आ रहे हैं विशाल चौधरी और निशित केसरी, ये बड़ा तुक्का है या फिर कुछ और बड़े नाम सामने आने वाले हैं इन दोनों के ठिकानों पर रेड के बाद, ये तो आने वाला कुछ समय ही डिसाइड करेगा। देखिए आरती, इस वक्त विशाल चौधरी के आवास पर ईडी के अधिकारियों की टीम मौजूद है और ईडी के अधिकारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ा दिया गया है। पूरी तरह से मुझे लगता है इस बात का डाउट है कि हो सकता है कि ईडी की टीम यहाँ कहीं खुदाई ना शुरू कर दे। जिस प्रसार से चीजों को उल्टा पुल्टा गया है, सोफे को हटाकर देखा गया, सोफे के गद्दे को हटाकर देखा गया, मुझे लगता है कि ईडी के पास पुख्ता जानकारी है, सटीक इन्फॉर्मेशन मिला है उन्हें कि किस प्रकार से ईडी की टीम को जानकारी मिली और उसके बाद से गेट के पास ताला लगा दिया गया है। 7 अधिकारी यहां मौजूद है और तमाम लोग इस छापेमारी में शामिल है और किसी को भी अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जैसा कि न्यूज 11 के दर्शकों को जानकारी न्यूज 11 ने दी है कि विशाल चौधरी का राज्य के एक बड़े आईएएस अधिकारी के साथ दोस्ताना है, याराना है और कई अहम काम जो कोई नहीं करा सकता था वो विशाल चौधरी चुटकियों में करा दिया करते थे। और हाल ही में गोड्डा में 2 बड़े टेंडर भी विशाल चौधरी को मिला है अफसरों की कृपा से। और इस वक्त भी जाहिर सी बात है तमाम चीजें खंगाली जा रही है और जो जानकारी मिली है कि करीब 22 एकड़ जमीन में इन्होंने पूंजी निवेश लगा रखा है। फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस जो कि इनका दफ्तर है कौशल विकास का, उस दफ्तर में राज्य के एक बड़े आयुष अधिकारी ने भी पूंजी निवेश किया हुआ है। जिन सेल कंपनियों की चर्चा होती है लगातार, उस सेल कंपनी में एक नाम यह भी हो सकता है फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस, और साथ ही कई अन्य कंपनियां भी उन्होंने बना रखी है। कुछ माह पहले जी। जो एक बड़ी मोबाइल कंपनियां है उसके टावर लगाने का भी काम इन्होंने लिया था, यानी कि एक दफ्तर में 13-14 कंपनी के आपको पैड, वहां सिग्नेचर, मुहर, तमाम चीजें दिखाई पड़ जाएंगी। मतलब साफ है कि ईडी की टीम को पुख्ता जानकारी मिली है, पक्की इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ईडी की टीम आई है और काफी अहम जानकारी ईडी को टीम को भी हाथ लगी है। कई जगहों पर पैसे होने की भी आशंका है, धीरे धीरे जी चीजें और साफ होती जाएंगी। फिलहाल एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मीडिया की टीम का काफी जमावड़ा यहाँ पर और जिस जगह पर छापेमारी हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रात के बड़े आईएएस का लगातार यहाँ आना जाना। अजय, जब सुबह में ये खबर आई तो उस वक्त ये भी कहा गया, जो खबर मिली कि हथौड़ा लेकर भी पहुंचे हैं ईडी की जो टीम है वो अपने साथ हथौड़ा लेकर भी गई है, यानी कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी में विशाल चौधरी के ठिकाने पर ईडी की। देखिए आरती, जब ईडी की टीम कहीं छापेमारी करने जाती है तो उसके साथ तमाम लोग होते हैं, तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं। कई बार हमने देखा इसी देश में, इसी राज्य में कि कई छापेमारियां हुई तो लोगों ने मकान की दीवारों में अलमीरा बना रखा था, ऊपर से प्लास्टर करके रखा हुआ था। जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर जब कभी ईडी की टीम को जरूरत पड़ेगी वो बाहर से हैमर या कोई अन्य चीज खरीदने जाएगी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब ईडी की टीम कहीं छापेमारी के लिए जाती है बड़ी सूचना के आधार पर, तो उसके पास वो तमाम चीजें होती है जो कि उनके छापेमारी में उनका मददगार साबित हो सके। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस प्रकार से ईडी की टीम की मैंने सक्रियता देखी यहाँ पर, पूरे तरह से सोफा को उलट कर देखा गया, गमले में जो पेड़ लगे हुए उसे उखाड़ कर देखा गया, यहाँ तक कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी रिंकू के माध्यम से कि घर से जो कचरा फेंका गया था बाहर, तस्वीरें देखेंगे
जो कचरा फेंका गया था उस कचरे को भी ईडी की टीम ने हिलोर कर देखा, खंगाल कर देखा कि कहीं इसके अंदर कोई सिम कार्ड तो नहीं किसी ने फेंक दिया या फिर कोई छोटा मोबाइल तो नहीं लोगों ने फेंक दिया। ये तमाम चीजें हैं, तो मतलब साफ है कि ईडी के पास इंफॉर्मेशन पक्की है। कई बड़े निवेश की जानकारी ईडी को टीम को लगी है, और जो न्यूज 11 के पास जानकारी है कि विशाल चौधरी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बॉम्बे में है उस इलाके में 22 एकड़ जमीन है जो कि इनके नाम से, इनके परिवार के सदस्यों के नाम से है। और एक सूचना यह भी है कि हो सकता है विशाल चौधरी के ससुराल यानी कि जमशेदपुर में भी छापेमारी हो, क्योंकि इनका इनकी जो मदर इन लॉ है वो भी एक प्रकार की कंपनी चलाती, यानी कि पूरा का पूरा लिंक इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि अजय हम ये कह सकते हैं, कि न सिर्फ जो बातें सामने आ रही है कि एक बड़े अधिकारी से काफी करीबी रिश्ते हैं, उस एंगल पे छानबीन हो कि अकूत संपत्ति कैसे बनाई और लिंक कहाँ कहाँ है, जो ये इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, वो सब पूरे तौर पे पुख्ता जानकारी के साथ अब देखिए ये तमाम चीजें अब सामने आएंगी। पूरी ईडी की टीम पहुंची हुई है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि टीम में मेंबर्स और बढ़ा दिए गए हैं, यानी एक व्यापक तौर पर यहां पर छानबीन चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।